हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ट्विन अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस, मैंने एक न्यू स्टोरी आप लोगों के साथ बीएल स्टोरी टेलर चैनल पे शुरू की है, जिसमें ड्रैगन अल्फा लवांगजी है और हमारा बॉटम में विंग है, जो कि एक मर्मेड है और बहुत क्यूट सा मर्मेड होता है। और उन दोनों की लव स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ बीएल स्टोरी टेलर चैनल पे शेयर की है। जिसको भी वो सुननी हो, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप उस पर जाकर उस स्टोरी को सुन सकते हैं। थैंक यू। आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि विंग और लवांगजी जो थे वो बाहर गए हुए थे, और यहाँ पर लवांगजी के साथ विंग ने जब सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म किया था, तब उन्होंने प्रिकॉशंस यूज़ नहीं की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लंजा के अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस थे। ऐसे ही कम से कम लगभग 2.5 महीने बीत जाते हैं, और जो हमारा लवांगजी था ना, अचानक से एक दिन उसे अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए जाना पड़ता है, और वहाँ पर वो बहुत थका थका महसूस कर रहा था। उसे सुबह से वॉमिट भी लगी हुई थी, बट उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। और वो अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा होता है, उसका सुबह से काफ़ी बार वो वॉमिटिंग के लिए जा चुका था, और जब उसका बारी आती है अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वो जैसे ही आगे जाता है ना, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन के लिए सारी तैयारी करता है, अपनी प्रेजेंटेशन देता है। प्रेजेंटेशन देकर जैसे ही वो ख़त्म होता है, उसके बाद अचानक से उसे चक्कर आ रहे होते हैं। यहाँ पर वेवोशन भी उसी के साथ था, और वेवोशन उसे संभाल लेता है। वो बार बार कहता है, आज सुबह से तुम्हें क्या हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। उसे लगता है कि शायद वांगजी ने कुछ ऐसा खा लिया होगा जिसकी वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हुई है, क्योंकि वेवोशन को नहीं पता था कि इन्होंने प्रिकॉशंस का यूज़ नहीं किया है। वेवोशन बार बार लवांगजी को देख रहे थे, और फिर उसके बाद जब लवांगजी का लंच टाइम होता है ना, तब भी लवांगजी बार बार वोमिट कर रहा था। जो भी वो खा रहा था उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो हर चीज़ को ही वोमिट कर रहा था। जिसके बाद विभूषण को कुछ अजीब लगता है, और वो लवांगजी को सीधा डॉक्टर के पास ले जाता है। जब वो डॉक्टर के पास लेके जाता है, तो डॉक्टर यहाँ पर लवांगजी को नर्स उसकी चेक करता है और बोल देता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही विभूषण के तो जैसे होश उड़ गए थे कि ये क्या सुन लिया, क्योंकि उसने तो हमेशा प्रिकॉशन यूज़ की है लवांगजी के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाते हुए। तब वो लवांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या ऐसा कभी हुआ था क्या, अगर हम लोग फिजिकल हो रहे हों और कॉन्डम वगैरह लीक हो गया हो। तो लवांगजी यहाँ पर चुप रहता है, तो फिर वो पूछता है, ससुर बताओ लवांगजी, क्या तुमने और विंग ने जब तुम गए थे कहीं, याद आया ट्रिप पे, लास्ट टाइम तुम ट्रिप पे तुम दोनों गए थे, तब क्या तुमने, तब यहाँ पर वो बेचारा शर्मिंदा होते हुए नीचे मुंह रखता है और कहता है, गगो मुझे माफ़ कर दो, मैंने और विंग गगो ने उस वक्त प्रिकॉशन यूज़ नहीं किया था, हमने कॉन्डम यूज़ नहीं किए थे। यहाँ पर विभूषण कहता है, लवांगजी तुम प्रेग्नेंट हो गए हो, बाकी सब तो ठीक है मतलब, लेकिन अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारा करियर क्या होगा। लवांगजी यहाँ पर बहुत देर तक सोचता है कि वो क्या करे। यहाँ पर विभूषण को बहुत गुस्सा आता है विंग पे, कि वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि लवांगजी का पूरा करियर जो है वो बर्बाद कर दे। और वो विंग को फ़ोन में लाकर यहाँ पर बोलता है कि विंग ये तुमने क्या किया। वो विंग से सब बताता है कि किस तरह से लवांगजी की आजकल तबीयत ख़राब हो रही है, और लवांगजी जो है वो प्रेग्नेंट है, वो भी विंग के चाइल्ड से। यहाँ पर विंग पहले तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके बाद अचानक से ये जो खुशी थी ना, ये दुख में बदल जाती है, क्योंकि अभी उन लोगों की शादी नहीं हुई है, लवांगजी का करियर बिल्कुल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और वो लोग बेबी कैसे रखेंगे। फिर वो लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर से बात करते हैं कि बेबी रखना है नहीं रखना है, ये लवांगजी का डिसीज़न होगा। अगर लवांगजी बेबी को रखना चाहेगा ना, तो वो बेबी को रख सकता है, और अगर वो नहीं रखना चाहे तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। यहाँ पर वो लोग लवांगजी को ना बड़े ही प्यार से पूछ रहे होते हैं कि लवांगजी तुम क्या करना चाहते हो। लवांगजी थोड़ा डर गया था, क्योंकि उसे अभी अपने करियर की स्टार्टिंग थी और बच्चा नहीं चाहिए था। यहाँ पर ना वो अपने गगो से कहता है कि गगो मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। लवांगजी जो होता है उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, और वो अपने घर पे नहीं बता सकता, और वो कहता है कि प्लीज़ अभी ना आंट को और अंकल को मत बताइएगा, अगर मेरा अबॉर्शन भी करवाना हो तो प्लीज़ किसी को मत बताएं, आप और विंग गगा ही मेरा सारी चीज़ें देख लें।
विभूषण और विंग जो हैं वो ऑब्वियसली पता है, एडल्ट हैं, वो भी जानते हैं क्या प्रोसीजर होता है और कैसे होता है। तो वो वांग जी की चीज़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वांग जी को बेबी नहीं रखना, ये एक मदर की बॉडी डिसाइड करेगी कि उन्हें बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो वांग जी को कहते हैं कि तुम एक दो दिन का टाइम ले लो, तब तक तुम्हारा माइंड भी कूल डाउन हो जाएगा, तुम भी थोड़े ठंडे हो जाओगे, और अगर ऐसे ऑपरेशन के टाइम पर ज़रा भी बीपी वगैरह हाई हो जाए या टेंशन से कुछ भी गलत हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर वांगची को सुझा बुझा कर ना जो डॉक्टर थे वो घर भेज देते हैं, और वांगची घर आता है। वांगची को पूरे टाइम वॉमिट होती रहती है, वो बेचारा जो भी खाता था उसकी जो भी नाक में बदबू जाती थी, मतलब खाने की उसे ना खुशबू की जगह बदबू आ रही होती थी जो कि उसे इरिटेट कर रही होती थी, वो बहुत उल्टियाँ करता है। जिसके बाद एक बार तो मैडम वे को भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उन्हें यह था कि बच्चे बड़े हैं, अगर कुछ ऐसा है भी तो बच्चे संभाल लेंगे या हमें बता देंगे, क्योंकि हमने उन्हें ऑलरेडी एक कमिटमेंट के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए अप्रूव किया हुआ है। वांगजी जो है ना वो अपने रूम में बैठा हुआ था, और वो ना उसके बाद नहाने जाता है, क्योंकि वॉमिट करने के बाद उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था, उसे स्मेल आ रही थी खुद की बॉडी से। वो नहाने जाता है और वो शावर में ना थोड़ी देर बैठ जाता है। जब वो अपने टमी को देख रहा था ना, उसकी बॉडी में सर्टेन चेंजेस हो गए थे, और वो ना नहाने के बाद मिरर में खुद को देख रहा होता है, और मिरर में देखते देखते वो मन में सोचता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा निर्दयी बन सकता हूँ, क्या मुझे इस बच्चे को ही गिराना होगा, नहीं मैं किसी की जान नहीं ले सकता, क्योंकि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। यहाँ पर ना वो बहुत देर तक सोचता है और बहुत रोता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब सबको पता चलेगा तो सब वांगजी को बहुत बुरा भला कहेंगे, और उसे ना बहुत डांट पड़ने वाली है, और सारे सब क्या सोचेंगे कि इतने बड़े एडल्ट होने के बावजूद भी एक ऐसी मूर्खता की है उन लोगों ने। वांगजी ना बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, एक्सट्रीम लेवल पर। फिर वो अपने कपड़े पहन के बाहर आता है, तो वो गुमसुम बैठा रहता है, तो उसके कमरे में विंग और होशियन आते हैं। भूषण देख रहा था कि वांगजी की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, सूज चुकी हैं, और वो बहुत रोया है। तो वो अचानक से पैनिक होता हुआ वांगजी के पास जाके बैठता है, और विंग भी एकदम से उसकी दूसरी साइड आके कहता है, क्या हुआ है वांगजी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा हम उसमें सहमत होंगे। तो यहाँ वांगजी ना अचानक से अपने दोनों घोकों को देखता है और कहता है, आई एम सॉरी। तो वो पूछते हैं, क्या हुआ है वांगजी, बताओ ना। वांगजी यहाँ पर थोड़ा टेंशन में आ जाता है, और वो जानता है कि उसकी वजह से उसके दोनों घोकों को भी ना यहाँ पर बहुत डांट पड़ेगी। तो वो कहता है, गगा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं बीबी को नहीं गिराना चाहता, अब मैं बीबी को रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम किसी को मारते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो वो पाप होता है, और मैं बच्चे को नहीं मारना चाहता, मैं बच्चे को मारकर अपने सिर पे इतना बड़ा पाप नहीं लेना चाहता, मेरे अंदर एक जीवन है। वो अपना टमी पे ना फटाफट से ना भूजियन और रिंग का हाथ पकड़ के एक एक अपने टमी पे रख देता है, और कहता है, गगा मैं इसे नहीं मारना चाहता, ये बहुत क्यूट होगा, बहुत छोटा सा होगा, मैं इसे अभी नहीं मार सकता, प्लीज़ गगा मुझे नहीं मारना, मुझे किसी का कातिल नहीं बनना, मुझे ना एक मर्डरर मम्मी नहीं बनना। तो यहाँ पर उसकी इतनी इनोसेंट बातें सुनकर ना यहाँ पर भूषण और विंग कहते हैं, जैसा तुम ठीक लगे, अगर तुम बेबी को रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम रख सकते हो, और हम तुमसे कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और तुमसे शादी करने के बाद ये बेबी लीगली हमारा भी बच्चा होगा। यहाँ पर वांगजी ना वो बेचारा मुंह बना रहा होता है और कहता है, लेकिन मुझे घर वाले बहुत सुनाएंगे, बहुत डांटेंगे, और आप लोगों को भी मेरी वजह से आप लोगों को बहुत डांट पड़ेगी। तो यहाँ पर विंग कहता है, तुम्हारी वजह से नहीं, केयरलेसनेस मेरी हुई थी, तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि मेरी केयरलेसनेस का नतीजा है। लेकिन तभी यहाँ पर विजन कहता है कि तुमने केयरलेसनेस नहीं दिखाई, मेरा भी है, क्योंकि ये मेरा भी पार्टनर है, और ये बेबी तुम्हारा और लवांगची का नहीं बल्कि मेरा भी है, तो पहला हक इस पे मेरा है, और मुझे नहीं लगता कि किसी को तुम्हें डांटना चाहिए, अब हम फैमिली बनने जा रहे हैं। यहाँ पे वो लोग सीधा नीचे जाते हैं, और उनके पीछे पीछे वांगजी छुपा हुआ था, वांगजी दोनों की बाजुओं के पीछे छुपा हुआ था। तो यहाँ पर वी चांग से और मैडम वे बात कर ही रहे थे, तभी वो लोग देखते हैं कि ये लोग चुपचाप आकर मुंडी नीचे करके खड़े हुए हैं, और वांगजी पीछे छुपा हुआ है। तभी यहाँ पर भूषण कहता है, मदर हमें आपसे एक बात करनी है। तो उसकी मॉम बहुत कामली चीज़ों को सुन रही होती है और कहती है, बोलो। यहाँ पर भूषण कहता है, मॉम वांगजी प्रेग्नेंट है। उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती हैं। तो भूषण कहता है, आप रिएक्ट नहीं करेंगी? वो कहती हैं, इतनी बार वो उल्टी जा चुका है, उसे चक्कर आ रहे हैं, तुम उसे हॉस्पिटल से लेके आए हो, मुझे सारी चीज़ें पता हैं, और उसके बावजूद भी तुम, जो कि मैं भी एक ओमेगा हूँ, तुम सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है।
मैं समझ गई थी कि उसे प्रेगनेंसी के ये सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि तुम कब बताओगे। चलो अच्छा है, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे सीधा बता दिया कोई गलत स्टेप लेने से, लेकिन अगर तुम कुछ भी स्टेप लोगे हम उसमें साथ रहेंगे। यहाँ पर भूषण थोड़ा इमोशनल होता है और कहता है थैंक यू मदर समझने के लिए। वांगजी ना बहुत डरा हुआ है। यहाँ पर उसकी मॉम खड़ी होती हैं, वांगजी के पास जाती हैं और वांगजी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं वांगजी क्या हुआ। जैसे ही वो प्यार से वांगजी बोलती है ना, वांगजी फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे डांट पड़ेगी और वो बहुत देर से सहमा हुआ था, घबराया हुआ था और अपने दोनों गगा के पीछे छुपा हुआ था, और वो अभी भी अपने दोनों गगा के पीछे छुपा हुआ था। तो यहाँ पर मैडम भी उसे अपनी तरफ खींचती हैं और कांग से सरना उसे अपनी चेस्ट से लगा लेती हैं। वांगजी ना बहुत रोए जा रहा था और कहता है मुझसे गलती होगी, प्लीज़ दोनों कगों को कुछ मत कहना, मैं इस बेबी को नहीं मारना चाहता, ये बेबी बहुत प्यारा है, ये बहुत छोटा सा है, अगर मैंने इसका कत्ल कर दिया तो मैं मर्डर मामा कहलाऊँगा, मुझे मर्डरर मामा नहीं कहलाना, प्लीज़ प्लीज़। और वो बार बार ऐसे बड़बड़ा रहा था कि यहाँ पर कांगसी सरन उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहती हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें मर्डरर नहीं बनने देंगे और मैं अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन याद रखना तुम प्रेग्नेंट हो और शायद अब तुम 2 महीने प्रेग्नेंट हो गए होगे, क्योंकि 2 महीने में ही पता चल जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम लोगों की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए, क्यों ना हम छोटी सी सेरेमनी रख दें, हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना सोबर हो उतना अच्छा है वांगजी, वरना तुम थक जाओगे। वांगजी यहाँ पर हूँ कर देता है, लेकिन तभी विंग और भूषण कहते हैं लेकिन मॉम भले ही घर वालों के बीच में सेरेमनी होगी लेकिन मुझे कपड़े तो अच्छे वाले चाहिए। यहाँ पर वो वांगजी को जानबूझकर गुदगुदी करते हुए कहते हैं चलो ना वांगजी शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। वांगजी यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा था, मुंडी नीचे करके अभी भी उसे शर्म आ रही थी। तभी यहाँ पर वी चांग से कहते हैं वांगजी वैसे मुझे बहुत खुशी है, मैं जल्द से जल्द दादा बनने वाला हूँ। वांगजी अभी भी कुछ नहीं कह रहा था, वो डरा हुआ था कि सारे बस उसे प्लीज़ करने के लिए सब कह रहे हैं। यहाँ पर कांगसे सरन कहती हैं तुम अभी भी क्यों डरे हुए हो। वो कहता है मेरे अगर मदर फादर को पता चला तो वो क्या कहेंगे। तो यहाँ पर बड़े ही प्यार से वो कहती हैं कि कुछ नहीं कहेंगे, और अगर 2 लोग एक साथ रह रहे हैं, उनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप है, वो एडल्ट हो चुके हैं, तो स्वाभाविक है कभी ना कभी तो प्रेगनेंसी ठहरेगी ना, और तुम लोग रिलेशन अगर बना रहे हो तो ये तो स्वाभाविक चीज़ है, और तुम करियर के चलते शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि शायद करियर तुम्हारी शादी को स्पॉइल कर देगा, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पहले सेटल होना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप सेटल भी हैं और साथ साथ आप शादी कर लेते हैं तब भी ठीक है। यहाँ पर 1 हफ्ता बीतता है और 1 हफ्ते तक जो भी सीन ड्रामा हुआ होता है ना, यहाँ पर बहुत तगड़ा ड्रामा होता है, जहाँ पर बड़े प्यार से वांगजी को तो उसके घर वालों ने बहुत फटकारा था और बहुत डांटा था। वांगजी बेचारा पूरा ना रोता है, लेकिन भूषण ना सारा ब्लेम खुद पे ले लेता है, जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि वो अपने छोटे भाई और वांगजी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, वो वांगजी के घर वालों से बहुत कुछ सुनता है, लेकिन फिर वो बिल्कुल पलट के कोई जवाब नहीं देता, कुछ बदतमीजी नहीं करता, और सारी डांट सुनने के बाद वो वांगजी को संभाल के रखता है। और फिर फाइनली उनकी शादी का दिन आता है, जिस दिन वो लोग शादी करने वाले थे। यहाँ पर बड़े ही प्यार से इंतज़ार कर रहे होते हैं दोनों ग्रूम अपनी ब्राइड का, और वो अपने हाथों में ही दोनों, एक लेफ्ट में खड़ा होता है और एक राइट में खड़ा होता है, वांगजी के हाथों में हाथ डालकर वो शादी के लिए लेके जाते हैं। तभी वहाँ पर पादरी पूछता है कि आखिर दूल्हा कौन है। तो यहाँ पर दोनों बोलते हैं हम हैं दूल्हे, और ये सुनकर ना पादरी शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं 2 अल्फा एक ओमेगा से शादी कर रहा है, लेकिन दूसरा ओमेगा नहीं दिख रहा। तो कहते हैं हम 2 अल्फा हैं और ये हमारा शेयर्ड ओमेगा है। ये सुनते ही ना यहाँ पर वांगजी के कान लाल होने लगते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे और वांगजी के कान बहुत ज़्यादा लाल हो रहे थे। तभी यहाँ पर पादरी कहते हैं पक्का ओमेगा तुम इनसे शादी करके खुश तो रहोगे। तो वो लोग कहते हैं शादी हम तो जल्द से जल्द फैमिली भी प्लान कर रहे हैं। तो पादरी कहता है तुम बहुत आगे निकल चुके हो, चलो कोई बात नहीं। फिर वो अपने जितने भी उनकी चीज़ें रह गई थी उसे पूरे करते हैं और यहाँ पर शादी की कस्में होती हैं, और यहाँ पर वांगजी जो है शादी की कस्में ले लेता है, क्योंकि वांगजी प्रेग्नेंट था तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था, उसके बाद वो जाकर बैठ जाता है। छोटी मोटी ये लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं और फिर ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते हैं।
वहाँ पर वांगजी की फैमिली और वेवुशन की फैमिली आराम से बैठे हुए थे। सारे के सारे डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा और बच्चा अगर लड़का होगा तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और अगर लड़की होगी तो भी क्या क्या करना चाहिए। वांगजी यहाँ पर दोनों अपने वुशियन और विंग अगस्त से कहता है, देखा एक हफ्ते पहले तो ये सारे के सारे मुझे कैसे डांट रहे थे और आप दोनों को भी कैसे डांट रहे थे और अब देखो हंस हंस कर बार बार बच्चे का नाम सोच रहे हैं। कितने बुरे होते हैं बड़े, पहले तो बच्चों को इतना डांटते हैं अपना सारा गुमार निकाल देते हैं और फिर जब ये एक हो जाते हैं तो इतना प्यार दिखाते हैं जैसे इनसे बड़ा हिपोक्रेट तो कोई भी नहीं होगा, इन्होंने पहले तो मुझे कितना रुलाया है। यहाँ पर वुजियान कहता है, तभी तुम दोनों ने गलती की और देखो मुझे सारी चीज़ें सुननी पड़ी, आज के बाद ना ऐसी कोई गलती मत करना और इंग अब तुम्हारा बेबी हो गया है, नेक्स्ट बेबी मेरा होगा, वैसे खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोनों बच्चे तुमसे हों या फिर मुझसे हों या किसी से भी हों, मुझे मेरे वांगजी से फ़र्क पड़ता है, वांगजी और बेबी ठीक होना चाहिए, बाकी किसी का भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर विंग जो था ना वो वांगजी को देख रहा था, वो वांगजी की नोज़ को पिंच कर रहा था और कहता, वांगजी तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। वांगजी कहता है, इंग अब मैं ना आपकी वाइफ बन चुका हूँ, आप मुझे वाइफ नहीं बुलाओगे? तो यहाँ पर विंग कहता है, बुलाऊंगा लेकिन अब बहुत दुख की बात है कि अब तुम मेरे साथ जा नहीं पाओगे, पता है कितने बड़े बड़े ऑफर आ रहे थे, तुम जहाँ जहाँ मेरे साथ गए थे ना वो सारी जगह हम लोगों के प्रोजेक्ट उन लोगों ने एग्री कर दिए हैं और हम लोग जल्द से जल्द उन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, पर अफसोस है मेरी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ मेरे साथ हर जगह नहीं जा पाएगी। वांगजी अब मुझे जैसे तुम मेरे साथ हमेशा चलते थे ना तो सब कहते थे वाह कितना प्यारा ओमेगा इसके साथ चल रहा है, मुझे कोई सेक्सी सी सेक्रेटरी रखनी होगी जो मेरे साथ चले। वांगजी यहाँ पर गुस्से में उसे देखने लगता है और कहता है, सोचना भी मत, कोई और ओमेगा अगर आप दोनों की सेक्रेटरी पीए या फिर आप लोगों की लाइफ में आया ना, मैं सच बता रहा हूँ कको, मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर वांगजी का एक टीमन वाला रूप भर आता है और जिसे देखकर विंग हंस रहा था और कह रहा था, तुम्हें लगता है कि मुझे एक ओमेगा पीए की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, और मैं तो टीस कर रहा था, वैसे भी मैंने एक पीए रख लिया है जो कि एक बीटा है और वो भी एक लड़का है और जिसे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, वो एसेक्सुअल है यानी कि उसे सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी वो इंसान अपने में ही कूल रहता है, वो अपना ही काम करता रहता है और वो काफ़ी अच्छा है और डोंट वरी मैंने कोई गॉर्जियस ब्यूटीफुल अपने लिए ओमेगा नहीं रखी। वांगजी थोड़ा सा टेंशन फ्री रहता है और वो कहता है, अच्छा ये बताओ वुशियन गगा के ऑफिस में कोई स्मार्ट सी क्यूट सी प्यारी सी लड़की है क्या, कोई ओमेगा हो बता देना मुझे, अगर आप में से किसी ने भी मुझे चीट किया ना तो मैं ना आपको वो काट दूंगा, फिर ना आप दोनों ना किसी के साथ कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही आप मेरे होगे और ना ही मैं आप लोगों को किसी और को होने दूंगा, आप सिर्फ मेरे हो मेरे हो मेरे हो, आप मेरे हबी हो और जो हमारे भूषण गगा हैं वो भी मेरे हबी हैं। यहाँ पर विंग कहता है, ओ हमारी लिटिल वाइफ आज पोजेसिव हो रही है, हमने तुम्हारा पोजेसिव लुक ये पहली बार देखा है, मैं तो तुम्हें लेके काफ़ी बार पोजेसिव हुआ हूँ लेकिन तुम पोजेसिव हो रहे हो तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि चीट कर देना चाहिए तुम पे। यहाँ पर वांगजी जो है ना वो फॉक दिखाते हुए कहते हैं, अगर आपने मुझे चीटिंग का सोचा तो ये फॉक मैं ऐसी जगह मार दूंगा ना जहाँ आप सोच भी नहीं सकते और उसके बाद दूसरा बेबी आप कभी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर चुपचाप वुशियन जो विंग जो था वो अपने उस जगह हाथ रख कर कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है मैं चीटिंग करूँगा? अगर चीटिंग करनी होती तो हम तुम्हें अपना शेयर्ड ओमेगा क्यों बनाते हूँ? बेबी तुम बिना पागल हो पागल, और वो बड़े ही प्यार से यहाँ पर वांगजी को देख रहा होता है और फिर उसकी टमी पे हाथ रख रहा होता है और कहता है, हे लिटिल वन तुम जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ, तुम्हारी ये पोसेसिव जेलस मम्मा ना बिल्कुल बिगड़ गई है, मैं एक क्यूट से लड़के को शादी करके लेके आया था और देखो शादी होते ही वो पोसेसिव बन गया है, तुम अपने पापा को बचाओगी ना जब भी तुम्हारी मामा इस तरह से तुम्हारे पापा को बुली करेंगी। यहाँ पर वांगजी कहता है, मैंने आपको बुली नहीं किया है बल्कि आप दोनों ही मुझे बुली करते हो। यहाँ पर विंग कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने हमें तुम्हारे साथ ज़्यादा देर रोमांस करने से मना किया है,
पता है मैंने क्या सोचा था, जब हमारी शादी होगी ना, मैं और वुशियन गगा रात भर तुम्हारे साथ रोमांस करेंगे। लेकिन अब तो डॉक्टर ने फिलहाल के लिए एक एक राउंड भी मना कर रखा है, और अगले 15 दिन तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक तुम 3 मंथ्स प्रेग्नेंट नहीं हो जाते। वांग जी गिगलिंग कर रहा था। तो यहाँ पर वुशियन और रिंग कहते हैं, तुम्हें इतना ज़्यादा मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम प्रेगनेंसी कंप्लीट कर लोगे और बेबी को जन्म दे दोगे, उसके बाद तुम हमारे हो, फिर हम सारा बदला निकालेंगे। वांग जी यहाँ पर फिर भी गिगलिंग कर रहा था और कहता है, तब भी डॉक्टर ना रेस्ट बोलते हैं, और तब भी आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पर दोनों कहते हैं, उफ, हम अल्फा होने का क्या फ़ायदा है, हमारा होगा ओमेगा, देखो कितने भाव खाता है, और उससे ज़्यादा तो इसका डॉक्टर भाव खाता है। मुझे तो लगता है डॉक्टर को ही किडनैप करके उसको डोज देनी होगी, थोड़ा उसका दिमाग ठीक करना होगा। जब देखो हमारे ओमेगा से हमें दूर करने की पता नहीं कौन कौन सी तरकीबें सुझाता रहता है। यहाँ पर वांगची हंस रहा था, और उसे बड़े ही प्यार से ये लोग खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे। वांगची के आसपास तो उसका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। वांगजी अगले दिन जाता है, क्योंकि वांगजी को 15 दिन तक सेक्स करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि वो अभी इनिशियल स्टेज पे था, और शादी के टाइम जो इनकी शादी की रात थी वो कुछ ज़्यादा एक्सेस ना हो जाए। तो यहाँ पर ये लोग पर डे के हिसाब से, जैसे एक दिन कोई करेगा तो 2 दिन छोड़कर कोई और करेगा, इस तरह से इन्होंने अपना रूटीन निकाल लिया था। वांगजी जो कि अब फाइनली 7 मंथ प्रेग्नेंट हो जाता है, क्योंकि वक्त धीरे धीरे करके निकल जाता है, और वांगजी का पेट बहुत मोटा हो गया था। वांगजी अपने पेट पे खाते पीते चला करता था। गाइस नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि प्रेग्नेंट वांगजी ने किस तरह से अपने 2 होनो अल्फा के नाक में दम किया, और तो और अपने टमी का, अपनी प्रेगनेंसी का फ़ायदा उठाकर वो कितना ज़्यादा उन लोगों को काम करवाता है, उन लोगों से सारी चीज़ें अपनी जिद पूरी करवाता है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।